संदीप पांडे साहब हैं मेरे साथ, डॉक्टर संदीप पांडे। आप तो मूल रूप से आपकी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी पार्टी की सरकार भी बनेगी तब भी कुछ होगा तो आप उसका भी विरोध करेंगे, मतलब जैसे होता है कि छोटी छोटी बात, आज भी आप 12 बजे कहीं जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने, हम लोगों के लिए बिल्कुल आप इस तरह से हैं कि जो भी कहीं गलत हो रहा है उसके विरोध में आप खड़े हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज ये समझ लूं कि ये जो कंसल्टेटिव कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की या कहीं, इसमें भी तो विपक्ष को जगह दी जाती है भाई उनसे विमर्श हो सके। आज की तारीख में ये विपक्ष का ये स्थान करीब करीब गायब होता जा रहा है, विमर्श का अब जगह ही नहीं रह गई है, क्योंकि आप भी तो बहुत सी कमिटीज में पहले रहते थे कि भाई इसको कैसे किया जाए, सरकारी कमेटी होती थी, ये जानते हुए कि आप उसमें अपनी एक इंडिपेंडेंट राय रखेंगे, अब क्या आपको इस तरह से विमर्श रह गया है कि अब कम होता जा रहा है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है आनंद जी, कि हमें तो लगता है कि हमारी अपनी भी सरकार बनेगी और कुछ गलत करेगी तो हम लोग विरोध करेंगे, और इसमें कोई नया नहीं है, ये भी सोशलिस्टों की परंपरा है। केरल की सरकार ने जब गोली चलाई थी और दो लोग वहां मरे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी सरकार का इस्तीफा मांगा था, जिस बात पे पार्टी विभाजित हो गई थी। आज तो इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज तो देखिए किस तरह से अमित शाह, अजय मिश्रा, टेनी को अपने बगल में रख के खड़ा करके और जनसभा संबोधित करते हैं और दूरबीन लगा के कहते हैं कि उन्हें कोई अपराधी नहीं दिखाई पड़ रहा। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई है कि अब जो है पार्टियां, ज़्यादातर पार्टियां इस तरह की हो गई हैं कि अगर अपने पार्टी के अंदर कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत बात हो रही है, तो उसका विरोध तो नहीं ही करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगी। बात कहीं बहुत बिगड़ जाएगी तो उसको निकाल दिया जाएगा, इस तरह की बात होती है। लेकिन आपकी ये बात भी सही है कि धीरे धीरे विपक्ष की भूमिका खत्म होती जा रही है। आप याद कीजिए कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो जयप्रकाश नारायण जी लगभग सेवानिवृत्ति की स्थिति से निकल के आए और उन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें सारे राजनीतिक लोग शामिल हुए। लेकिन उसके बाद का अगर बड़ा आंदोलन देखा जाए या और जो बड़े आंदोलन हुए जिसमें अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, फिर सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन और अब किसान आंदोलन, तो इसमें राजनीतिक दल तो कहीं है नहीं। ये बात दूसरी है कि अरविंद केजरीवाल ने बाद में पार्टी बना ली, लेकिन शुरू में उसमें कोई दल शामिल नहीं थे। दलों के नेताओं को जरूर बुलाया जाता था मंच पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, लेकिन राजनीतिक दल उस तरह से शामिल नहीं थे। और इसमें दोष राजनीतिक दलों का है क्योंकि दलों का अंदरूनी लोकतंत्र समाप्त हो गया है, तो इसलिए राजनीतिक दल के लोग अगर विपक्ष में भी हैं तो भी वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि सारा निर्णय उनका जो केंद्रीय हाईकमान है वो लेता है, या बीजेपी के संदर्भ में वो आरएसएस लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि अगर आपको उस पार्टी से विधायक सांसद बनना है तो आप पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दया के भरोसे हैं, वो चाहेंगे तो आप रहेंगे, इसलिए वहाँ पे कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। और लगभग बाकी दलों का भी यही हाल है, प्रतीकात्मक रूप में वो जरूर सरकार का विरोध करते हैं, उसकी नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से करना चाहिए, उसको मुद्दा बनाना चाहिए। जैसे इस समय किसान आंदोलन की सिर्फ बात ले लें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी अधिकार बनना चाहिए, ये कोई दल नहीं कह रहा है, मतलब कांग्रेस भी नहीं कह रहा है, समाजवादी पार्टी भी नहीं कह रही है, वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं लेकिन उनके मुख्य मुद्दे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बेईमानी है कि आप कहने को विपक्ष में हैं लेकिन आप सरकार की नीतियों को आप ईमानदारी से चुनौती नहीं दे रहे हैं। कोई दल ये नहीं कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम खत्म होना चाहिए, वो समर्थन में जरूर कुछ लोग पहुंचे होंगे। अखिलेश यादव की बेटी चली गई तो अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ी कि वो तो सिर्फ घूमने गई थी, वो आंदोलन का समर्थन करने नहीं गई थी। तो ये तो हो गई है विपक्ष की हालत। अब उसमें हमारे जैसे लोगों की भूमिका
बिल्कुल बढ़ी है और आपका कहना सही है। मुझे भी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में रहने का मौका मिला जब अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, लेकिन उसमें भी ये हुआ कि जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसको कपिल सिब्बल साहब ने ड्राफ्ट किया था जब वो लाया गया, तो हमारे जो वहाँ वरिष्ठ साथी थे अरविंद सदगोपाल जी, उन्होंने कहा कि हम तो समान शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं, आप ये हमको लॉलीपॉप क्या दे रहे हैं कि 25% गरीब बच्चों को आप निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो एक जैसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने जब वहाँ विरोध किया अंदर, तो उसके बाद उसकी मीटिंगें होनी बंद हो गई और हम सब लोग इस्तीफा देके बाहर आ गए। तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो पार्टियां भी जो मतलब बीजेपी के अलावा हैं वो भी जनपक्षी नीतियां नहीं बनाती हैं और उनका भी विरोध करना पड़ता है। और समितियों में आप एक हद तक ही रह सकते हैं। देखिए, सोनिया गांधी की एक सलाहकार समिति बनी थी जिसमें अरुणा रॉय जी थी, जॉन ड्रेज थे, जिसकी वजह से सूचना के अधिकार का कानून बन गया, आपका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बन गया, ये सब कानून उसी की बदौलत बने, लेकिन अंत में जॉन ड्रेज को भी इस्तीफा दे के बाहर आना पड़ा। तो अभी बहुत सीमित गुंजाइश है कि आप कुछ कर पाए, और अंत में हम लोगों के सामने सरकारों का विरोध करने के सिवाय और कोई रास्ता बचता नहीं है सड़क पे, क्योंकि सदन के अंदर जो लोग हैं वो ईमानदारी से अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। जी, मैं मूल बात पे डॉक्टर संदीप पांडे आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। ये एक पद होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो क्या इसका कोई रोल भी है कि ये एक ऐसी दे दिया गया है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक पद है और उसकी कुछ अहमियत है और उसका कुछ रोल है कि संवैधानिक या कुछ पदों पे लोगों की जब नियुक्ति होगी तो इसका क्या रोल है, इसकी कोई अहमियत है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की? नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें इनकी इनकी एक बड़ी भूमिका है। एक तो ये है कि जो एक बड़ी बात चल रही है कि भाई विपक्ष की एक भूमिका है कि वो सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाए, और दूसरा ये कि बहुत सारी कमेटियां होती हैं जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन मेंबर होते हैं। तो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो दूसरी संस्थाएं हैं, कई बार जो उसमें नियुक्तियां होती हैं उसमें जो सरकारी कमेटी होती है उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहता है और या रहती है, और उसकी एक भूमिका होती है कि जो भी चयन हो संस्थानों के प्रमुख या सदस्यों के, उसमें सही किस्म के लोग जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कई बार जो सत्ता में दल होते हैं वो या तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को उतना महत्व देते नहीं हैं, उनके बिना निर्णय ले लेते हैं, या फिर कुछ इस तरह के समझौते हो जाते हैं कि भाई कुछ आप अपने लोग रख लीजिए, कुछ हमारे लोग रख लीजिए। तो ये जो इस तरह की राजनीति हो गई है लेन देन वाली, ये भी इस देश के लिए जो है बहुत इस देश को नुकसान पहुंचा रही है, जिसमें अंदर ही अंदर कई बार जो है दलों के बीच में कुछ समझौते हो जाते हैं। तो इस अर्थ में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कई बार अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभाते हैं, नहीं तो उनकी भूमिका तो बहुत बड़ी है लोकतंत्र जी। खत्म करने से पहले एक जल्दी से और चीज जोड़ दूं जो कुर्बान अली साहब ने कहा, 62 में जब चीन से हमारी लड़ाई हुई 62 में, और एक तरह से वो युद्ध में हम खराब कर रहे थे, 20 अक्टूबर को लड़ाई शुरू हुई, 20 नवंबर को खत्म हुई, उस बीच पार्लियामेंट बुला के और पार्लियामेंट पे इसकी चर्चा हुई है, पार्लियामेंट का प्रेशर हुआ है, उन लोगों को हम कुछ भी कह दें लेकिन वो एक जनरेशन शायद दूसरे ग्रह से आए हुए लोग थे, दूसरे तरह के लोग थे, उस समय की सरकार की हिम्मत थी कि विपक्ष की बात सुने, और उस विपक्ष के प्रेशर में वीके मेनन को इस्तीफा भी देना पड़ा था। खैर, मैं जल्दी से संदीप पांडे भाई साहब आपके पास आके बहुत संक्षेप में आपकी बात, क्योंकि अब पहले पार्टियों के चरित्र भी फर्क थे, लेकिन आज जो मेन पार्टीज हैं जो रूल कर रही हैं उसमें आपको क्या कोई बेसिक फर्क दिखाई दे रहा है? क्योंकि सबको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, वो उधर चले जाएंगे तो खराब हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे, वो वॉशिंग मशीन चल रही है, इधर आइए तो कपड़े सब सफेद। जी जी, बेसिक चरित्र में कोई फर्क है?
आनंद जी, सवाल बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कुल मिला के मोटा मोटा कि सभी बड़े दल जिसमें वामपंथी दल भी शामिल हैं, जो नई आर्थिक नीति है निजीकरण उदारीकरण वैश्वीकरण की, उसके समर्थन में है। मतलब प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक कोशिश करते रहते हैं कि विदेशी पूंजी निवेश हो। तो जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द लिखा गया है कि भारत एक समाजवादी मुल्क है, तो उसकी 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 परिभाषा तो जो है वो अब तार तार हो गई है, क्योंकि देश बड़ी तेजी से पूंजीवादी दिशा में बढ़ रहा है। और दूसरी जो बड़ी समस्या जिससे हम निपट रहे हैं वो है सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता में दो प्रकार के दल हैं। एक दल है जो विचारधारा से ही सांप्रदायिक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना भी उसी तरह का दल है, लेकिन इधर कुछ चूंकि उसका गठबंधन हुआ है कांग्रेस और एनसीपी से, तो वो उसकी कुछ जो प्रवृत्तियां हैं उस पर रोक लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से सांप्रदायिक है, इसलिए भारत का ये हाल हो रहा है कि इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं अब हम उनको नागरिक मान ही नहीं रहे हैं या पूरे नागरिक का दर्जा नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके दबाव में, जैसा कुर्बान भाई ने कहा, दूसरे दल हैं जो अब अपने आप को उनसे बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी से लेके और अरविंद केजरीवाल और यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी कुछ इस तरह के नारे लगाए वहाँ के चुनाव में, ये दिखाने की ये उनकी मजबूरी हो गई है। लेकिन जो बाकी दल हैं भाजपा को छोड़ के राष्ट्रीय स्तर पे, वो सांप्रदायिक नहीं है विचारधारा से, लेकिन जब जब उनको ज़रूरत पड़ती है, यानी अवसरवादी रूप से वो सांप्रदायिक हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि कुछ करने से हमको हिंदू वोट मिल जाएंगे तो वो सांप्रदायिक हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस है, जिसने अयोध्या में उस मस्जिद में मूर्ति रखवाने से लेके ताला खुलवाने तक और मस्जिद को गिराने तक में परोक्ष रूप से एक भूमिका अदा की है। तो जनता का दबाव रहेगा तो ये दल सांप्रदायिक नहीं रहेंगे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सभी दलों का चरित्र लगभग एक जैसा होता जा रहा है, फिर भी अंतर है, और हमें इन इन सभी दलों में जो सबसे कम खराब है, जो सबसे कम सांप्रदायिक है और सबसे सबसे कम पूंजीवादी है, उनको चुनना चाहिए।